सो गाइस, महेंद्र सिंह धोनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो आईपीएल से कब रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और ये हर एक एमएसडीएन का क्वेश्चन है कि आखिर वो कौन सा दिन होगा जब हमें महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में देखने को मिलेंगे, यानी कि क्रिकेट तो उसके बाद भी खेल सकते हैं, ऐसा कोई लेजेंड का मैच हुआ उसमें आके खेल लिया, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वो कौन सा मैच होगा जब हमें आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए दिखेंगे, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है, जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। एंड इसके अलावा जो अगला मैच है सीएसके का पंजाब से, उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो मैच सीएसके के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उस मैच के कारण क्या क्या बदल सकता है। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। भाई साहब, एमपीएल पर लूट है, क्योंकि इस आईपीएल एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलने पर आईफोन मिल सकता है आपको, और ये कोई एक बार का ऑफर नहीं है, रोज एक आईफोन दिया जाएगा। अगर मेरे सब्सक्राइबर में से किसी एक को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कमेंट्स में थैंक्स जरूर बोलना अगर जीत गए तो। करोड़ों जीत सकते हो, ये बहुत सारे एप्लीकेशन आप सभी को बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई ऐसा जेन्युइन एप्लीकेशन है जो आपको एक करोड़ देगा तो वो अनडाउटेडली एमपीएल है। एमपीएल ऐप पर सबसे कम मार्जिन है और सबसे तेज मनी ट्रांसफर है, कोई फ्रॉड नहीं, रियल मनी, रियल पीपल एंड रियल विनर। जल्दी से लिंक पर क्लिक करके एमपीएल डाउनलोड करिए। अब टीम बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज एमपीएल पे है एक्सपर्ट्स लाइक दीप दास गुप्ता, जो कि पूरा रिसर्च करके टीम बनाते हैं एंड उसका प्रॉफिट आप सभी उठा सकते हो। कल मैंने 25 टीम्स बनाई थी, 17वीं टीम ने मुझे 10,000 जिताया था। आज मैं टोटल 28 टीम्स बनाने वाला हूं। अपनी एक टीम आज की मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, तो वेट किसका कर रहे हो, जाके एमपीएल डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इंडियन सीमेंट जो है, इंडिया सीमेंट, उनका 75th ईयर्स आप कह सकते हो जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड उसमें हमें महेंद्र सिंह धोनी भी देखने को मिले थे, वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इंडिया सीमेंट्स के एक डीलर ने महेंद्र सिंह धोनी से क्वेश्चन पूछा कि आपने इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट क्यों ले लिया बिना एक फेयरवेल मैच खेले हुए 15 अगस्त को। तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि सीएसके के कैप्टन है, उन्होंने कहा, मतलब महेंद्र सिंह धोनी सभी को पता है सीएसके के कैप्टन है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कोई दिन हो सकता था रिटायरमेंट लेने के लिए। एंड बात करें फेयरवेल मैच के बारे में, तो वो मेरे हिसाब से मुझे सीएसके के लिए मिल जाएगा जब मैं आखिरी बार चेन्नई में खेलूंगा, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, ये उन्होंने कहा था, जो कि मेरा फेयरवेल मैच होगा। अब चेन्नई उन्होंने इंक्लूड कर दिया है कि चेन्नई में मैं खेलूंगा, इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि अगले साल भी वो खेलेंगे, यानी कि ये मतलब अभी तो चेन्नई में मैच हो नहीं सकता है, अभी तो यूएई में आईपीएल हो रहा है, तो अगला सीज़न हमें फोर्स और महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए दिखेंगे। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि महेंद्र सिंह धोनी हमें एक और सीज़न तो फोर्स और खेलते हुए दिखेंगे, अब मे बी वो उसके आगे भी खेले ये कन्फर्म नहीं किया, लेकिन अगला सीज़न फोर्स और वो खेलने वाले हैं। अब उसके बाद वो कितना खेलेंगे वो तो उनके फॉर्म के ऊपर डिपेंड होता है, यू नो, अगर आप फॉर्म में नहीं हो, महेंद्र सिंह धोनी को खुद ही इतना नॉलेज है कि मुझे कब रिटायरमेंट लेना है, कब क्या करना है, ये जो ज्ञान देते हैं कि रिटायरमेंट ले लो, बेटा तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, तो जब भी धोनी को रिटायरमेंट लेना होगा वो ले लेंगे, उनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे से अब नहीं हो पाएगा, वो उनको पता है। अभी भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज़ कैप्टन, अभी टीम नंबर 2 पर है, इतने अच्छे पोजीशन पे है, तो डेफिनेटली उसमें कैप्टन का बहुत बड़ा यू कैन से कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बिकॉज आपको कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम मिल जाए अगर आपके पास अच्छा कैप्टन ना रहे, तो ये हमने पास्ट में भी देखा है कि वो टीम अच्छा नहीं कर पाता है, बहुत बार हमने देखा है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के साथ ऐसा नहीं है। ये टीम जो पेपर पे उतना भी कुछ खास नहीं दिखता है, हर कोई कह रहा था कि ये टीम क्वालिफाई नहीं होगा, वो पॉइंट्स टेबल में इतने टाइम तक टॉप पे था, अभी 2 पे है, तो धोनी को सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। एंड मेरे हिसाब से वो मतलब जैसा उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि वो एक सीज़न और खेलेंगे, मे बी उसके आगे भी खेलते हुए दिखे, लेकिन वो आगे की बात है, अभी नेक्स्ट सीजन में फोर्स और देखने को मिलेंगे और उसके बाद फॉर्म के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। इसके बाद कल के मैच के ऊपर आते हैं, जो कि पंजाब वर्सेस चेन्नई का मैच है। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चेन्नई के सामने अभी खड़ा हो गया है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स कल का मैच हार जाता है, जो कि उनका आखिरी लीग स्टेज मैच होगा, एंड बैंगलोर अगर आज जीत जाता है, अगर आज बैंगलोर को हैदराबाद ने हरा दिया, तो जो भी चेन्नई फैंस हो आज हैदराबाद को सपोर्ट करो कि हैदराबाद जीत जाए, बिकॉज अगर आज हैदराबाद जीत गया तो चेन्नई सुपर किंग्स एंड दिल्ली कैपिटल्स का टॉप 200% कन्फर्म हो जाएगा। दिल्ली का तो 100% कन्फर्म है ही, चेन्नई का भी हो जाएगा, ये हमारी टॉप 2 टीम्स हो जाएंगी। लेकिन अगर आज हैदराबाद जीत गया और कल पंजाब ने हरा दिया चेन्नई को और उसके बाद बैंगलोर ने दिल्ली को हरा दिया, तो फिर
बैंगलोर टॉप टू में आ जाएगा एंड बैंगलोर दिल्ली को हरा भी सकता है ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज मे बी दिल्ली अपने मेन लाइनअप के साथ ना खेले क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप टू में आ चुके हैं, तो वो शायद अपना वीक लाइनअप खिलाए, सेकेंडरी लाइनअप खिलाए, तो वहाँ पे बैंगलोर अपने फुल लाइनअप के साथ खेलेगा, बेस्ट लाइनअप के साथ, एंड वहाँ पे हरा सकता है दिल्ली को, तो ये एक प्रॉब्लम निकल के आ सकता है। तो आई होप कि आज हैदराबाद हरा दे बैंगलोर को, तभी चेन्नई का टॉप टू ईजी हो जाएगा, या फिर कल चेन्नई पंजाब को हराए और अपना टॉप टू कन्फर्म कर ले, उनके भी हाथ में है सब कुछ। तो ये था कल के मैच के रिगार्डिंग अपडेट, अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। देखो जो चेन्नई फैंस होंगे वो तो यही चाहेंगे कि आज ही हार जाए बैंगलोर, ताकि यू नो कल तक का हमें वेट ना करना पड़े, अदरवाइज यू कैन से अगर आज बैंगलोर जीत गया तो फिर हार्ट भी तेज हो जाएगा चेन्नई फैंस का कि यार अब कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो चेन्नई फैंस यही चाहेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। कमेंट्स में लिखकर बताओ आप महेंद्र सिंह धोनी के अनाउंसमेंट से कितने ज़्यादा खुश हो, एंड अगर आपने अभी तक एमपीएल को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप हर रोज आईफोन जीत सकते हो। और अभी के लिए छोटा बस इतना ही, तो अभी के लिए बस ही दौड़ा, आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, तो चलो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको, चीज़ की लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो अपना नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।